हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला अशोक। निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू। क्या ये वीडियो तो कब से बनाया हुआ था, बस अपलोड नहीं कर पाई कुछ कारण होने के कारण। तो मैं आज इसे अपलोड कर रही हूं। तो मैंने 3 गुड़ की डली ली है और ये 250 ग्राम मैंने तिल लिए हैं, काले तिल। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे ऐसे ही मीडियम आंच पे। देखो ये चटकने लगे, चट चट की आवाज़ आने लगी इनसे। ये देखिए ये फूल गए हैं तिल, अलग ही दिख रहे हैं एकदम। बहुत ही इजी है लड्डू बनाना और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इन पके हुए तिल को हम निकाल लेंगे और इसी में गर्म तो है ही कढ़ाई, तो हम सोचेंगे कि इसी में ही ये गुड़ भी डाल देंगे, अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। अब मेल्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे जिससे कि ये चिपके ना। और ये देखिए मतलब कि कढ़ाई इतनी गर्म थी कि डालते ही पिघल गया गुड़। ये देखिए पिघल गया। अब इसमें हम तिल डाल देंगे। ये तैयार है, हमारी चाशनी भी बन गई है गुड़ वाली। अब गुड़ वाले तिल्ली के लड्डू बनाने के लिए इसमें तिल डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे इनको और छोटे छोटे लड्डू हम बांध लेंगे। अब लड्डू बांधने के लिए इसको नीचे उतार देंगे, थोड़ा सा मतलब हल्का भाई ठंडा हो जाए इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। तो एकदम गर्म से तो हमसे लड्डू नहीं होंगे क्योंकि गर्म बहुत है, तो ठंडा करेंगे इसको। अब ठंडा हो गया, इतना ठंडा तो नहीं हुआ है लेकिन हाथ में ले सकते हैं, इतना ठंडा है। तो थोड़ा सा घी मैंने हाथों में लगा लिया है और ये देखिए लड्डू सान लिए हैं। ये देखिए कितने सुंदर और इजी लड्डू झटपट बन गए हैं, तिल के लड्डू। और ये तिल के लड्डू ना संक्रांति पे सभी बनाते हैं, संक्रांति पे सभी को काले तिल के लड्डू दान करने चाहिए, इसलिए बनाते हैं। और मैं क्या है कि इसमें मंदिर में चढ़ाने के लिए ये एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो सिक्के होते हैं ना उनसे भी लड्डू बना रही हूँ। वो मंदिरों में चढ़ाने के लिए भगवान का नाम लेके कहते हैं कि लड्डू ना भगवान के सामने, जैसे नारायण के मंदिर के अंदर नारायण के सामने लड्डू रखते हैं और हम भोलेनाथ का नाम लेके नारायण के मंदिर में लड्डू चढ़ाते हैं ना, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी करते हैं और हमारा हाथ ज़रूर पकड़ते हैं। बोलिए जय श्री राम। ये देखिए लड्डू कितने अच्छे बने हैं, अभी तो ये गर्म है, सॉफ्ट भी है, ऐसे ही रहेंगे, अब सॉफ्ट ही रहेंगे और क्रंच